हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी एक क्विक रिवीजन के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट को पढ़ा था और प्रेशर बेल्ट को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे जो फ्रेंड्स नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हम लोग ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी वाले पोर्शन को स्टार्ट किया है और फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया है, जो कि वेटेज के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग एटमोसफियर से पढ़ना स्टार्ट किए थे। ओके, एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का जो संगठन है उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना, जिसमें हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर और इनके बारे में जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने समझा है। फिर हमें पढ़ना था इंसुलेशन, बट जब हमें इंसुलेशन पढ़ना था तो उसी टाइम पे हेल्थ इश्यू आने के कारण हम लोग इंसुलेशन को जंप करके हाल फिलहाल के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गए थे। क्लियर है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चालू किया था, यानी वायु दाब का वितरण पढ़ना चालू किया था। और वायु दाब के वितरण में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटकर पढ़ा था। एक था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और एक था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्रेशर बेल्ट को पढ़ना स्टार्ट किया था और प्रेशर बेल्ट को हम लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमें विंड्स के बारे में पढ़ना है, पवन के बारे में पढ़ना है। विंड से स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब ये वीडियो यूट्यूब पर क्या होता है, प्रीमियर होता है, उस टाइम पे आपके पास एक लाइव चैट का ऑप्शन आता है। उस लाइव चैट पे करना क्या है, जब भी मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे साथ बोलें या आप क्या करें, उस लाइव चैट में मेरे साथ आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्टूडेंट टीचर जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिविटी है, वो बेहतर हो पाएगी और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट कम हो पाएगा। आप ज्यादा फोकस करके चीजों को समझ पाएंगे। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री की तरह नहीं है, ये कहानी नहीं है कि आपको बस कहानी समझाते जाए, सुनाते जाए और आप कहानी एक्सेप्ट करते जाओ। नो, ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। इसको साइंटिफिक मैनर से पढ़ेंगे तो तभी हमें चीजें आसान लगेंगी, अदरवाइज आपको आज चीजें समझ में आई हैं, कल आपको चीजें फिर भूल जाएंगी। दूसरी बात, आपको लगातार चीजों को रिवाइज करते रहना है। कोई कितना भी अच्छा आपको एक्सप्लेन कर दे, बट आप जब तक खुद हाथ पैर नहीं चलाओगे तो आपको पानी में तैरना नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोई टॉपिक आपको समझा दिया जाता है तो एटलीस्ट अगले दिन आने से पहले आपको दो बार उसी चीज को रिवाइज करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी, और आज की कहानी हमेशा हमारी स्टार्ट होगी विंड्स के साथ, पवन के साथ। क्लियर इतनी बात? पर एक बार थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो विंड की कहानी है वो टोटली एसोसिएटेड है, टोटली रिलेटेड है प्रेशर बेल्ट से। क्लियर है ना? चलिए, हम लोगों ने कहानी स्टार्ट की थी अपने शूरदेव के साथ। मुझे बताइए, ईयर के मैक्सिमम टाइम में पृथ्वी के किस हिस्से पर सोलर रेडिएशन ज्यादा आता है, इंसुलेशन ज्यादा आता है? बिल्कुल सही, आप लाइव चैट का यूज करेंगे और जो भी मैं आपसे डिमांड करूंगा आंसर की, आपसे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लाइव चैट पे आंसर देंगे। ओके, तो आप लाइव चैट में आप टाइप करके बताएं कि इक्विटोरियल जोन पे कैसा प्रेशर था, इक्विटोरियल जोन पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे कैसा प्रेशर था। बिल्कुल सही, इक्विटोरियल जोन पे लो प्रेशर हुआ करता था, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में। सही बात है ना? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड से लेकर 5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड तक कैसा प्रेशर हुआ करता था, वहां पे होता था लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? यहाँ पे हुआ करता था लो प्रेशर। और इसके बिहाइंड रीजन क्या था यहाँ पे लो प्रेशर बनने का, जल्दी आप टाइप करें लाइव चैट पे। बहुत बढ़िया, यहाँ का लो प्रेशर बनने का रीजन था थर्मल। थर्मल मतलब सूर्य ताप जनित, यहाँ था, यहाँ पे सूर्य की गर्मी मिलती थी जिसके कारण हवा राइज अप होकर ऊपर उठ जाती थी। और मुझे बताइए, इस एरिया पे लगभग जहाँ पे हॉर्स लेटिट्यूड मैंने जिसे बताया था 32-35 नॉर्थ और 32-35 साउथ लेटिट्यूड,
30 से 35 उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 दक्षिण अक्षांश पे इस एरिया पे प्रेशर कैसा था? बहुत बढ़िया, इस एरिया में प्रेशर था, जल्दी बताइए, लाइव चैट को यूज करिए। इस एरिया पे प्रेशर था हाई प्रेशर, और यानी ये हाई प्रेशर किस लेटिट्यूड पे था? 32-35 लेटिट्यूड नॉर्थ एंड 32-35 लेटिट्यूड साउथ। और मुझे बताइए विंड जो होती है, पहली बात विंड क्या, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। एक कंडीशन मैं आपको ए दे रहा हूं, दूसरा कंडीशन बी दे रहा हूं। देखिए अगर आप जब यूट्यूब पे वीडियो प्रीमियर हो रही है, अगर उसी दौरान आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तब आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन नहीं होगा, तब आपके पास ओनली कमेंट्स के ऑप्शन होंगे। तो आप कमेंट में, आप जो भी मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ आंसर की, आप तब कमेंट करेंगे, क्लियर है ना। ए कंडीशन ये है, एक वायु, एक एयर पार्सल ऐसे मूव कर रहा है। बी कंडीशन में एक एयर पार्सल ऐसे मूव कर रहा है, यानी ए कंडीशन में एयर पार्सल का होरिजोंटल मूवमेंट हो रहा है। कैसा मूवमेंट हो रहा है? होरिजोंटल मूवमेंट, क्षैतिज गति हो रही है, क्लियर है ना। और इन द कंडीशन बी, इसमें जो एयर पार्सल का मूवमेंट है, जो गति है, वो वर्टिकल हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है, यानी हवाएं नीचे से ऊपर उठ रही हैं, क्लियर है इतनी बात। यानी कंडीशन में हवाएं क्षैतिज चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हैं, और कंडीशन बी में जो विंड्स हैं वो वर्टिकल मूव कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक उड़ रहे हैं। तो मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका, मुझे बताइए विंड किसे कहेंगे? कंडीशन ए वाली को विंड कहेंगे या कंडीशन बी वाली को विंड करेंगे? जल्दी से लाइव चैट आप ऑन करें। बिल्कुल सही, कंडीशन ए वाली को हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पवन, विंड उसी को कहते हैं जो क्षैतिज रूप से चले। कैसे चले? हॉरिजॉन्टली चले। जो नीचे से ऊपर हवाएं उठ रही हैं उनको आप पवन नहीं कहते हो, आप उन्हें क्या कहते हो? एयर करंट। क्या कहते हैं हम उसे? एयर करंट, इन हिंदी वायु धारा। क्या बोलते हैं इसे? वायु धारा। यानी एक बात तो क्लियर है, उसी एयर पार्शल को हम विंड बोलेंगे जो क्षैतिज रूप से चले, होरिजोंटली मूव करे, क्लियर है ना। और मूव क्यों करेगी? सिंपल सा लॉजिक है, हाई प्रेशर है किस एरिया में और किस एरिया में कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। तो विंड हाई प्रेशर से किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी प्रेशर ग्रेडिएंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था, अगर विंड रोज को मैंने इस डायरेक्शन में बताया है तो मुझे बताइए कंडीशन वन पे हाई प्रेशर है कि कंडीशन टू पे हाई प्रेशर है? लाइव चैट का यूज करिए, कंडीशन वन पे कि कंडीशन टू पे? बहुत बढ़िया, कंडीशन वन पे हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि मैंने एरो किधर बनाया है? विंड रोज एरो किधर बनाया है? टू तरफ बनाया है, यानी वन की तरफ हाई प्रेशर है और टू की तरफ कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है, क्लियर है। सॉरी। अगर एयर करंट वर्टिकल चल रहा है, मतलब नीचे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है, ऊपर कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए मुझे बताइए 32-35 डिग्री पर हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है? अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप कमेंट करें, अगर लाइव देख रहे हैं प्रीमियर के टाइम पे देख रहे हैं तो आप लाइव चैट का यूज करें। 32-35 नॉर्थ एंड 32-35 साउथ लेटिट्यूड में कैसा प्रेशर है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे हाई प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। क्यों बनता है? हमने प्रेशर बेल्ट में देख लिया, अगर किसी ने प्रेशर बेल्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यानी 32-35 में कैसा प्रेशर हुआ करता था? हाई प्रेशर हुआ करता था। और इक्विटोरियल जोन पे 5-5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में कैसा प्रेशर होता था? इनके बीच में था लो प्रेशर। मुझे बताइए दो कंडीशन ही तो चाहिए, दो कंडीशन ही तो चाहिए विंड के लिए, कौन कौन से? एक हाई प्रेशर मिल जाए, एक लो प्रेशर मिल जाए, बस फकीर आदमी विंड चल देगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्लियर है ना। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। आप देखेंगे ये हाई प्रेशर वाला एरिया है और ये वाला लो प्रेशर, यानी मैंने जो येलो कलर से जो मैं यहाँ पे लाइन सेट कर रहा हूं, ये कैसा है? ये हाई प्रेशर है और इक्विटोरियल जोन पे लो प्रेशर है। बहुत बढ़िया, हाई प्रेशर कंडीशन मिल गई, लो प्रेशर कंडीशन मिल गई, विंड ने चलना स्टार्ट कर दिया। ये हाई प्रेशर से विंड चल रही है, ये हाई प्रेशर से चल रही है, ये हाई से चल रही है, ये हाई से चल रही है, और यहाँ पे भी हाई है, तो ये इधर लो प्रेशर की तरफ विंड ने चलना स्टार्ट कर दिया। मुझे बताइए क्या हमारी अर्थ स्टैटिक है? क्या हमारी अर्थ सॉरी
क्या हमारी अर्थ स्टैटिक है? आंसर इज नो। हमारी अर्थ क्या होती है? रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष के अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। रोटेशन हमें पता है ना, हमारी अर्थ एक तो खुद की एक्सिस पे घूमती जा रही है और साथ साथ जो बीच में हमारा सन है उसके चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है। यानी ये बात तो क्लियर है कि हमारी पृथ्वी लगातार अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। और आपको पता है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई निकाय घूर्णन कर रहा है, तो उसमें एक लगता है फोर्स, और उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम है? कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा है। अगर किसी ने इस पे किन्हीं को इस पे डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप उसको फॉलो कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लेंगे। यानी अर्थ पे लगेगा कोरियोलिस फोर्स। और मैंने बताया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फेरल। क्या नाम था उनका? फेरल। और फेरल ने हमारी मुसीबतों को आसान किया और उन्हें बताया था कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नदर हेमिस्फीयर सॉरी नदर हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, ये विंड को डिफ्लेक्ट करेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में, मुझे लाइव चैट का कमेंट का यूज करके बताइए, अगर गोलार्ध उत्तरी है नदर हेमिस्फीयर में, तो कोरियोलिस फोर्स विंड को एयर पार्सल को किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा? बहुत सर बहुत बढ़िया। नदर हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स राइट, यानी दाई ओर, और दाई ओर को ये हवा क्या कर देगी? विक्षेपित कर देगी। तो मुझे बताइए इसका जो राइट साइड है वो ये कहलाएगा, और राइट साइड लेफ्ट साइड कैसे निकालते हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बट फिर से एक बार दिखा देते हैं। फिर से बता देता हूं कि अगर आपको किसी विंड का लेफ्ट और राइट पता करना है, तो आपको इस विंड रोज की डायरेक्शन में अपना फेस करके उस डायरेक्शन में घूम के क्या करना है, आपको अपना राइट देखना है, और आपका राइट जो होगा उस इस विंड रोज का भी, इस विंड का भी राइट होगा। जैसे अभी मैंने ये बनाया है, आप सभी क्या करें, इसकी तरफ मुंह करके बैठ जाएं, और आपका राइट यही कहलाएगा भी, और आपका राइट ये है, तो मतलब इस विंड इस एयर पार्सल का भी राइट यही होगा, और आपका अगर लेफ्ट ये है तो इस विंड का भी लेफ्ट यही होगा। एक और एग्जांपल के तहत, फिर हालांकि मैंने पहले बहुत डिटेल में समझाया, पर फिर देखते हैं। दूसरा विंड की डायरेक्शन ये है, यानी अब मुझे इधर मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा, एम आई राइट? हमें इधर घूम के खड़ा होना, यानी अभी मैं क्या करूँ, पीछे घूम जाऊँ, पीछे घूम जाऊंगा तो इधर मुंह करके मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर हमारा राइट जो होगा इस विंड का राइट होगा, हमारा लेफ्ट जो होगा इस विंड का लेफ्ट होगा। यानी इस कंडीशन पे राइट ये है और लेफ्ट ये है, बस इन्हीं चीज को हमें अप्लाई करना है। मुझे बताइए अगर कोरियोलिस बल लग रहा है तो क्या विंड सीधे आ पाएगी? आंसर इज नो। विंड क्या होंगी? उत्तरी गोलार्ध में नदर हेमिस्फीयर में राइट साइड रिफ्लेक्ट होंगी। और ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा इस एनिमेटेड वीडियोस में, तो रेड कलर की जो विंड आ रही है ये वाली, आप देखेंगे सीधे नहीं आ रही, ये राइट तरफ डिफ्लेक्ट हो रही। ये किधर डिफ्लेक्ट हो रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। उसी तरह ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है, ये वाला, जल्दी मुझे टाइप करके बताएं। इस वायुदापेटी का नाम क्या है जो 30 से 35 उत्तरी, 30 to 35 नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से बनता है? जल्दी मुझे टाइप करें, लाइव चैट में टाइप करके बताएं कि ये 30 से 35 पर जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर बेल्ट है, पर उसे हम बोलते क्या है? लाइव चैट पे जल्दी से टाइप करके आप मुझे आंसर करें, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कमेंट में टाइप करें। बहुत बढ़िया, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में देखा था, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। और यहां से भी विंड चलेंगी टुवर्ड्स इक्विटोरियल जोन की तरफ, क्यों? क्योंकि वहां पे हाई लो प्रेशर बना हुआ है। आप देखिए क्या ये विंड सीधे चलेंगी? आंसर इज नो। अब हम उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में आ गए हैं, जब हम इक्वेटर के 0 डिग्री के साउथ में आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध है, और नॉर्थ में आते हैं तो नदर हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है। आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में फेरल्स भाई साहब ने क्या बताया कि जो कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन है ना वो लेफ्ट की तरफ होगी, आपकी बाईं तरफ। और लेफ्ट कैसे निकालना है? आपको सिंपल इस विंड की तरफ घूम जाना है, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट। तो मुझे बताइए अभी कंडीशन में ये जो मैंने येलो कलर की विंड रोज बनाई है, इसके लिए सदर हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट मेरा कहलाएगा। तो आप देखिए विंड इधर बहना स्टार्ट करेंगे, और आप देखेंगे इस एनिमेटेड वीडियोस में कि विंड इधर ही चल रही है, क्लियर है ना? और आज हमें
यही समझना है कि इस विंड का एक नाम है, हालांकि मैंने पहले भी इसको कई बार बता चुका हूं, और इसे कहते हैं ट्रेड विंड। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ट्रेड विंड, हिंदी में बोलते हैं इसे व्यापारिक पवनी। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनी। और व्यापारिक पवनों को वन बाई वन करके इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो ट्रेड विंड को पढ़ने से पहले जो हम लोग लास्ट क्लास में एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लियर है ना? विंड क्या होती है मुझे बताइए, तब तक आप, जब तक मैं इस पीपीटी पे पहुंच रहा हूँ, आप मुझे विंड बताइए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज गति पे बहती एयर पार्शल विंड होती है कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप से गति करती वायु विंड होती है। जल्दी लाइव चैट यूज करें। चलिए, लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट को समझा था। क्लियर है ना? आपको करना क्या है, आप इस फ्लो चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स पे आप क्लास के बाद लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, विंड को हम लोगों ने मेनली दो क्लास, दो सब टॉपिक में यानी दो क्लासिफाई किया था, दो पॉइंट्स में। एक है सरफेस विंड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतही पवनी। क्या बोलते हैं हिंदी में? इन्हें बोलते हैं सतही पवनी। बहुत बढ़िया। और दूसरी है ये हाई एल्टीट्यूड, हाई यानी ऊंचा, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर चलने वाली विंड, यानी जो हमारे, हम और आप जिस एरिया पे रहते हैं उस एरिया पे ना चले। अगर इस हम सरफेस पे चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस विंड। और अगर ऊपर आसमान में, जैसे मैंने जेट स्ट्रीम बताया था समझाने, हालांकि जेट स्ट्रीम और पोलर वर्टेक्स ये दो टॉपिक हैं प्रेशर बेल्ट के, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्लियर है ना? तो जब जेट स्ट्रीम हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, हालांकि मैंने एक पॉइंट बता दिया था जेट स्ट्रीम का, फिर भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। टाइप देखेंगे, जेट स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में अभी हीट डोम था, अगर आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा कि कैनेडा और यूएसए में एक वेदर फिनोमिना आया था हीट डोम, जिससे उस एरिया में गर्मी अचानक क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे इस गर्मी के कारण। क्लियर है ना? हीट स्ट्रोक आ गया था लोगों को और उनकी डेथ हो गई थी। उसको हम देखेंगे करंट अफेयर के साथ। पोलर वर्टेक्स भी देखेंगे करंट अफेयर के साथ। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर में ऐसी न्यूज आ रही थी कि आर्कटिक जोन पर जो ओजोन होल था वो ड्यू टू पोलर वर्टेक्स भर गया है। क्लियर है ना? तो उसको हम देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के, जब मानसून पढ़ेंगे उसके पहले। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोगों ने विंड को दो भागों में बांटा, एक सरफेस विंड और एक हाई अल्टीट्यूड विंड। आप जल्दी से टाइप करके मुझे बताइए विंड को कितने भागों में बांटा हम लोगों ने? दो, एक होता है सरफेस विंड सतही पवनी और एक है हाई एल्टीट्यूड विंड, जैसे कि जेट स्ट्रीम। क्लियर है ना? फिर हम क्या करते हैं, पहले इन सरफेस विंड्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम हाई एल्टीट्यूड, ये जब हम सरफेस विंड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जंप करेंगे जेट स्ट्रीम में। क्लियर है ना? चलिए, सरफेस विंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो सरफेस पर, सतह पर चल रही है उस विंड को क्या कहेंगे? सतही विंड कहेंगे। और सरफेस विंड को फर्दर तीन पॉइंट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, एक है प्राइमरी विंड्स, एक है सेकेंडरी विंड्स और एक है टर्शरी विंड। हिंदी में बोलेंगे इनको प्राथमिक पवनी। क्या बोलेंगे आप मेरे साथ टाइप करते रहे और या फिर बोलते रहे? प्राथमिक पवनी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक पवनी। बहुत बढ़िया। और सॉरी, टर्शरी को क्या बोलेंगे हम? तृतीय पवनी। क्लियर है इतनी बात? अगर कोई पूछेगा कि प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्शरी विंड किसके सब टॉपिक हैं, सब प्रकार हैं सरफेस का कि हाई एल्टीट्यूड का, तो सरफेस विंड का। क्यों? क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर चल रही है, ऊंचाई पे नहीं चल रही। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद एक एक करके हम पहुंचेंगे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी। अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी विंड्स, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सती पवनी। देखिए, प्राइमरी विंड्स के दो तीन और नाम है और ये दो तीन नाम को हमें याद रखना है। एक नाम है इसका ग्लोबल विंड्स, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वैश्विक पवने। आप देखिए क्यों बोलते हैं, मुझे बताइए। अभी मैंने आपको जो एनिमेटेड वीडियो दिखाया था जिसमें जिसमें नॉर्थ सॉरी जिसमें ट्रेड विंड्स चल रही थी, मुझे बताइए क्या ट्रेड विंड्स ने कसम खाया है कि मैं केवल भारत में चलूंगी या केवल पाकिस्तान में चलूंगी, केवल बांग्लादेश में? नहीं, वो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट नॉर्थ से इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में और साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्विटोरियल प्रेशर बेल्ट के बीच में जो भी एरिया आएगा विश्व का, उन सभी एरिया में ये बहेंगे। यानी इनको वैश्विक पवने या ग्लोबल विंड कहने का कारण ये है कि ये ग्लोबल प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं। कैसी? ग्लोबल प्रेशर बेल्ट।
ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के बीच में चलती हैं, वैश्विक वायदा पेटी के बीच में चलती हैं। क्लियर है ना? चलिए दूसरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स हिंदी में बोलते हैं इसको भूमंडली पवने, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, भूमंडली पवने, क्या बोलते हैं इनको, भूमंडलीय पवने। आप समझते हैं इनको भूमंडली पवने क्यों बोलते हैं, नाम है इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ये प्लेनेटरी विंड्स बनी है प्लेनेट से, और हिंदी में अगर देखिए भूमंडली पवने बनी है भूमंडल से। क्लियर है ना? चलिए इनको प्लेनेटरी विंड बोलते हैं क्योंकि ये पूरे अर्थ में चल रही है, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच ये पूरी अर्थ में चल रही है, उस एरिया में जो जो एरिया आएंगे उस सारी एरिया में, यानी पूरे प्लेनेट को कवर कर रही है, उस बशर्ते कि वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में है। क्लियर है ना? यानी प्राइमरी विंड्स को हम ग्लोबल विंड्स भी बोल सकते हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो है ये परमानेंट विंड्स होती हैं। परमानेंट यानी हिंदी में स्थायी, परमानेंटली चलती हैं। एक हम आगे विंड पढ़ेंगे सीजनल विंड, देखो ये है सीजनल विंड, यानी इनमें सीजन का रोल होगा, ये किसी सीजन में चलेंगी तो किसी सीजन में नहीं चलेंगी। क्लियर है ना? उसी तरह हम जब टर्शरी विंड पढ़ेंगे तो उनका दूसरा नाम है लोकल विंड, यानी केवल किसी लोकल एरिया में चलती है, पूरे वर्ल्ड में पूरे प्लेनेट में नहीं चलती। इनको परमानेंट बोलने का रीजन ये है कि ये सीजन पे डिपेंड नहीं है, ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं है, ये साल भर परमानेंट चलती हैं, बस इनको प्रेशर बेल्ट मिलता रहे ये चलती रहेंगी। यानी प्राइमरी विंड्स को ग्लोबल विंड्स भी बोलते हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, और परमानेंट्स भी बोलते हैं। आप मेरे साथ बोलिए या टाइप करिए लाइव चैट में कि प्राइमरी विंड्स को ग्लोबल विंड्स भी बोलते हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, और परमानेंट विंड भी बोलते हैं। क्लियर है ना? क्या आप एक काम करिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था हम दिव्य दर्शन करेंगे, जो मेरे भाई अभी अभी या बहने अभी अभी मुझे ज्वाइन की उनको नहीं पता होगा कि अपन दिव्य दर्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आंख बंद करके फोटोजेनिक मेमोरी बनाते हैं, तो आपको इस स्लाइड की फोटोजेनिक मेमोरी बनाना है, आप मेरे साथ आंख बंद करके इमेजिन करेंगे। देखिए ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड यानी पवनों का वर्गीकरण, और हम लोगों ने सभी आंख बंद करेंगे और विजुलाइज करेंगे। क्लासिफिकेशन विंड आप सभी को दिखा, अगर दिखा तो लाइव चैट में हाँ करें। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, किस-किस में, एक सरफेस विंड में क्लासिफाई किया और एक हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड विंड में क्लासिफाई किया, यानी कुछ पवने तो सतह पे चल रही थी सरफेस पे, और कुछ पवने अर्थ से कुछ 7 से 14 किलोमीटर की हाइट पे चल रही थी। और हाई एल्टीट्यूड विंड्स में हमें किसे पढ़ना है, जेट स्ट्रीम को पढ़ना है, जो कि हम सरफेस विंड को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। क्लियर है ना? उसी तरह सरफेस विंड जो है उनको उनको फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, कुछ है प्राइमरी विंड्स, कुछ है सेकेंडरी विंड्स, और कुछ है टर्शरी विंड। दिखा आपको, ऊपर विंड दो एरो बनाना है, एक सरफेस विंड हो गई है, एक सरफेस विंड हो गई, एक हाई एल्टीट्यूड विंड हो गई। क्लियर है ना? फिर सरफेस विंड को हम लोगों ने दो चार सब पॉइंट्स में और बांटा था, एक है प्राइमरी विंड, फिर सेकेंडरी विंड और टर्शरी विंड, जो किसके प्रकार है, ये किसके टाइप्स है, ये सरफेस विंड की टाइप है, दिखा ना आपको। और प्राइमरी विंड्स को हम लोगों ने बताया था कि प्राइमरी विंड्स को आप ग्लोबल विंड भी बोल सकते हो, प्राइमरी विंड्स को आप परमानेंट विंड्स भी बोल सकते हो, प्राइमरी विंड को ही आप प्लेनेटरी विंड्स बोल सकते हो। क्लियर है ना? अब आप बोल सकते हैं। फिर प्राइमरी विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स, परमानेंट विंड, तीनों एक ही चीज है। हिंदी में प्राथमिक पवने, वैश्विक पवने, स्थायी पवने और भूमंडली पवने, ये एक ही है। क्लियर है? और इनमें हम लोगों को तीन विंड्स पढ़ना है, एक ट्रेड विंड पढ़ना है, एक वेस्टलीज विंड पढ़ना है और पोलर स्टलीज करना है, और इस आज का जो हमारा टारगेट है इन तीनों विंड्स को पढ़ना। क्लियर है ना? तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रेड विंड्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपन वेस्टर्लीज में पहुंचेंगे और उसके बाद अपन पोलर जेट्स में पहुंचेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए आप मुझे जल्दी से टाइप करके बताइए कि विंड को हम लोगों ने कितना कितने पहले सब टॉपिक में या कितने टाइप्स में वो किया, जल्दी से आप लाइव चैट का यूज करके करें, तब तक मैं अपनी पीपीटी में पहुंचता हूँ। क्विक क्विक जल्दी से, कुछ हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे उनमें एक राज गौतम करके हैं, एक अर्पिता हैं, एक अंजलि करके हैं, एक पिंकी करके हैं, ठीक है, तो ये लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, यकीन मानिए इनको
इसका प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। तो आप भी सभी, अगर आप चाहते हैं चीजों को लंबे टाइम तक दिमाग में बिठाना, तो आप मेरे साथ टाइप करते रहें, फिर बोलते रहें, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेड विंड्स को। किसको स्टार्ट करते हैं? ट्रेड विंड्स को, यानी हिंदी में इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनी। क्यों बोलते हैं व्यापारिक, उसको भी देखेंगे, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनी। क्लियर है ना? चलिए, तो पहला पॉइंट इनके बारे में जो हमें लिखना है कि ये बताइए, जो ट्रेड विंड है, आप मेरे साथ चाहे तो रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं, क्लियर है ना? जो ट्रेड विंड है या व्यापारिक पवने हैं, मुझे बताइए, सबसे पहले हम विंड को कितने भागों में क्लासिफाई किया था? दो भागों में, एक सरफेस विंड और हाई एल्टीट्यूड विंड। फिर हाई एल्टीट्यूड विंड में हम लोगों ने किसको देखा था? जेट स्ट्रीम को। सरफेस विंड को फर्दर हम लोगों ने क्लासिफाई किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो ट्रेड विंड है किसमें आती थी? प्राइमरी विंड्स में आती थी। किसमें आती थी? यानी ट्रेड विंड्स के बारे में जो पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ये प्राइमरी विंड्स हैं। कैसी विंड्स हैं? प्राइमरी विंड्स हैं। बहुत बढ़िया, कैसी विंड है आप मेरे साथ बोलिए? प्राइमरी विंड्स हैं। प्राइमरी विंड्स का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे बोलेगा कि ट्रेड विंड प्राइमरी विंड है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल प्राइमरी विंड है। और प्राइमरी विंड को ही हम लोगों ने ग्लोबल विंड कहा था। क्या कहा था? ग्लोबल विंड कहा था। तो जो ट्रेड विंड है, ये एक प्रकार की ग्लोबल विंड्स है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसे प्लेनेटरी विंड्स भी कहा गया था। क्या कहा गया था? प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेनेट्सी विंड को हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय पवने। आप लिख सकते हैं प्लेनेटरी विंड्स को क्या बोलते हैं? भूमंडलीय पवने कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्राइमरी विंड, ग्लोबल विंड, प्लेनेटरी विंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं परमानेंट विंड। तो पहला पॉइंट इतना तो याद रहेगा ना एटलीस्ट, कि जो ट्रेड विंड होती हैं वो कैसी होती हैं? प्राइमरी होती हैं, ग्लोबल है, प्लेनेटरी विंड है और परमानेंट विंड है। ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए, दूसरी बात मुझे बताइए, कोई भी विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलता है? जो कोई भी पवने हैं वो कहां से कहां चलती हैं? हाई टू लो प्रेशर। और इस केस में हाई प्रेशर कहाँ पे है? तो आप देखिए, ये 32-35 वाले साउथ वाले अक्षांश पर भी, लैटिट्यूड पर भी, और नॉर्थ वाले पे भी जो हाई प्रेशर बेल्ट है, उसका नाम जल्दी से आप टाइप करके मुझे बताएं। क्विक क्विक जल्दी से आप लाइव चैट का यूज करें, फिर कमेंट का यूज करें। बिल्कुल बढ़िया, ये है सब ट्रॉपिकल। आप मेरे साथ नोट करिए कि ये विंड जो ट्रेड विंड है वो चलती कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ की तरफ चलती है? देखो, आप देख रहे हो ये चल रही है इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हिंदी में बोलते हैं, आप लिख लीजिए, उपोष्ण उच्च वायदा पेटी। क्या बोलते हैं इसे? उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से कहां चलते हैं ये? इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी की तरफ चलती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए ट्रेड विंड का जोन क्या है, यानी इसका बहने का क्षेत्र क्या है, किस एरिया पे चलती है? तो मुझे बताइए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को अगर मैं इसका जोन बताना चाहूं, तो ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, 32-35 नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड से लेकर लगभग 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ के बीच में चलती है। सही बात है ना? तो ये आपसी जोन भी पूछा जाता है कि जोन क्या है, इसका क्षेत्र क्या है ट्रेड विंड के बहने का। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, आप मेरे साथ बोलिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, यानी 30 से 35 डिग्री से नॉर्थ से, और 5 से नॉर्थ डिग्री और 5 साउथ डिग्री के आसपास वाले रीजन पे क्या कर चलती हैं? ये विंड्स ब्लो करती हैं। क्लियर है ना? चलिए, अब क्या है कि ट्रेड विंड को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई हम कर सकते हैं, दो प्रकार में बांट सकते हैं, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। एक एक तो ऐसी ट्रेड विंड जो उत्तरी गोलार्ध यानी इक्वेटोरियल, ये अगर भूमध्य रेखा है तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो कुछ ट्रेड विंड जैसे कि ये आप देखेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं, और कुछ ट्रेड विंड्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चल रही हैं। क्लियर है ना? इसी के बेसिस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो ये जो मैंने दो पॉइंट बनाए, तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट?
बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि ट्रेड विंड्स को फर्दर टू पार्ट्स में या टू टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, कर सकते हैं। वन इज, ये आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और एक लिखा हुआ है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्लियर है ना? ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट क्या है? कुछ नहीं भाई साहब, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि एक मैंने ये क्वाड्रेंट बना लिया डायरेक्शन का, ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। तो मुझे बताइए जो रेड कलर का भी आपको दिख रहा है, ये विंड कहाँ से आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विंड नॉर्थ ईस्ट से किस एरिया पे जा रही है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। ये देखो, ये लाल कलर की जो विंड है ये ट्रेड विंड है उत्तरी गोलार्ध की। आप देखो, ये मैंने भी ब्लैक कलर से बनाया है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट से जा रही है साउथ वेस्ट की तरफ। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था कि अगर आपको विंड का डायरेक्शन निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा विंड आ कहां से रही है। अगर विंड सॉरी अगर विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है, मान लीजिए अगर कोई विंड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, जैसे देखिए साउथ से नॉर्थ, अगर अगर आपको इस विंड का नॉमेनक्लेचर करना पड़े, नामकरण करना पड़े, तो आप इसे क्या कहोगे? ये साउथ विंड है। कैसे विंड है? साउथ विंड है। और अगर कोई वेस्ट से ईस्ट आएगी तो उसे क्या कहोगे आप? ये वेस्ट टू ईस्ट आएगी तो उसे आप बोलोगे ये वेस्टर्लीज है। क्या है? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज पढ़ेंगे हम आगे, वेस्टर्लीज है। क्लियर है ना? उसी तरह इस ट्रेड विंड की जो कि उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी, ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है, इसको बोलेंगे हम उत्तरी उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। उत्तरी उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है ना? और इससे जा रही है किस के तरफ? तो इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के तरफ। और किस डायरेक्शन से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, यानी यानी नदन हेमिस्फेयर में कौन सी ट्रेड विंड चलेंगी? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। कौन सी चलेंगी? आप मेरे साथ टाइप करिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। क्या बोलते हैं इसे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। क्यों बोलते हैं व्यापारिक पवनी, मैं बताऊंगा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। इतनी बात क्लियर है ना? तो कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी विंड चलती है? नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है। उसी तरह ये देखिए, ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है? जल्दी बहनों मुझे टाइप करके बताओ। दोस्तों ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है? जल्दी टाइप करें लाइव चैट पे या फिर कमेंट पे, ये कौन सा प्रेशर बेल्ट है? पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि ये है साउथ का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दक्षिण गोलार्ध का उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और यहां से भी विंड चल रही है, वो उनको विंड को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर की तरफ चलेंगी वो ट्रेड विंड ही होती हैं। और आप देखें, अगर इसका मैं पूछूं कि मुझे बताइए ये जो विंड चल रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो विंड चल रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप देखोगे ये है साउथ, नीचे तरफ है साउथ, और ये है इधर ईस्ट, यानी ये विंड भी देखो आप साउथ ईस्ट से ही चल रही हैं। तो जो दक्षिण गोलार्ध की सदर्न हेमिस्फीयर की व्यापारिक पवनी है, ट्रेड विंड है, तो उन्हें नामकरण अगर करना हो तो क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्लियर है ना? अब इन्हीं पॉइंट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं। आप लोगों ने वो दो पॉइंट लिख लिया ना, तीसरा पॉइंट बना के हम लिखेंगे कि जो ट्रेड विंड होती हैं, क्या होती हैं? ट्रेड विंड होती हैं, व्यापारिक पवने होती हैं, उनको फिर से दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है नॉर्थ, नॉर्थ इसको ट्रेड विंड को आप हिंदी में लिख सकते हैं व्यापारिक पवने। क्या लिख सकते हैं इसको? आप लिख सकते हैं इनको व्यापारिक पवने। क्लियर है ना? एक है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनी। और दूसरा लिखिएगा आप लिखिएगा साउथ ईस्ट ट्रेड
ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनी, क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनी, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। चलिए मुझे बताइए ये जो विंड थी कैसी थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी ये वाली, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो विंड चल रही है कैसी है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बताइए किस एरिया से चल रही है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर उत्तरी गोलार्ध का कि दक्षिण गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध का है। तो मैं इसे अगर ऐसे भी लिख दूं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तो नो डाउट ट्रेड विंड है, तो किसके किसके बीच चलेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में ही चलेंगी, क्लियर है ना। लेकिन अगर कोई विंड उत्तरी नॉर्थ सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर, मेरे साथ आप भी नोट कर सकते हैं, रनिंग नोट्स आपको बनाना है, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे, क्लियर है ना। उसी तरह जो साउथ के दक्षिण के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उन्हें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। फिर मुझे बताइए जब हम प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे थे तो एक टर्म पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, डोल्ड्रम, याद है आपको डोल्ड्रम, और मैंने बताया था डोल्ड्रम मतलब होता है जोन ऑफ काम या रीजन ऑफ काम, शांत क्षेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं डोल्ड्रम को, शांत क्षेत्र। कहाँ पे था, वही इक्वेटर के करीब था। क्यों शांत क्षेत्र, क्यों डोल्ड्रम बोल रहे थे, क्योंकि हम इसे डोल्ड्रम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्षैतिज रूप से नहीं चल रही थी, यानी हवाओं का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा, यानी कुल मिलाकर विंड नहीं चल रही थी, और जब विंड नहीं चल रही थी तो यहाँ पे माहौल जो होता है ना शांत होता है क्योंकि हवाएं नहीं चल रही, क्लियर है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे हवाएं क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि यही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आती थी, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक पर पहुंचते पहुंचते इतनी गर्म हो जाती हैं कि कन्वेक्शनल करंट संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती थी और फिर ऐसे जाके 30 से 35 पर उतर जाती थी, सही है कि नहीं है। यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, और एक विंड कौन सी है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये आपस में कहाँ पे टकराती थी जाके, तो ITCZ में, क्या कहाँ पे टकराती थी, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था ITCZ क्या होता है, इसको फिर से हम मानसून में पढ़ लेंगे, क्लियर है ना। तो ITCZ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आती हैं और आपस में टकरा कर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। और मुझे बताइए जब ये आपस में टकरा कर, ये देखिए ये आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही है इस एरिया से, और इस एरिया से ये देखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही है, और जब आपस में टकराती थी तो ये देखिए यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए टकरा के गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और फिर ये देखिए व्हाइट व्हाइट क्या करती है, क्लाउड बनाती है, बादल बनाते हैं, और बादल के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। मुझे बताइए इस बादल बनने का कारण, या इस क्षेत्र पे डेली रेनफॉल होने का कारण हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आती है इस एरिया में टकराने से पहले क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो याद रखिएगा ये जो गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया है इसे बोलते हैं संवहन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, संवहन यानी कन्वेक्शनल कन्वेक्शन। तो ये जो रेनफॉल हो रही है वो कैसी हो रही है, संवहन के कारण हो रही है, तो इस प्रकार की बारिश को क्या कहते हैं, संवहन वर्षा बोलते हैं, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट याद रखिए कि बारिश अगर हवाओं की गर्म होकर ऊपर उठने से बादल बने फिर बारिश हो तो उसे कहते हैं संवहन वर्षा, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो हम जब क्लाउड पढ़ेंगे तो फिर से देखेंगे। अभी आप दिमाग में बैठा के चले कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवने ITCZ के एरिया में टकराती हैं, टकरा के ऊपर उठती हैं, और रोज भूमध्य रेखा क्षेत्र पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं, और इसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, इक्विटोरियल रीजन पर कन्वेक्शनल रेनफॉल करने के लिए, संवहन वर्षा करने के लिए कौन से विंड जिम्मेदार हैं, तो हम क्या बोलेंगे,
हम बोलेंगे ये ट्रेड विंड जिम्मेदार है। इतनी पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया हो, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने नोट्स में देख लूं आपको कुछ पॉइंट समझाने के लिए बचा तो नहीं है। नहीं बचा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं। आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहें, इससे आपको सहूलियत होगी, क्लियर है ना। चलिए इसकी विशेषताएं आप हेडिंग डाल लीजिए, इंग्लिश में है तो फीचर्स और हिंदी में तो व्यापारिक पवनों की विशेषताएं। व्यापारिक पवनों की विशेषताएं, व्यापारिक पवनों की विशेषताएं, क्लियर है ना। फीचर्स ऑफ द ट्रेड विंड्स, क्लियर है। चलिए पहली विशेषता है कि मुझे बताइए कि ये हवाएं गर्म होंगी कि ठंडी होंगी, ये हवाएं वार्म होंगी कि कोल्ड होंगी। जल्दी क्विक आंसर करिए मुझे लाइव चैट पे कि ट्रेड विंड का जो नेचर है वो गर्म होगा, वार्म होगा या ड्राई होगा। बिल्कुल सही है, वार्म होगा। क्यों वार्म होगा, इसलिए वार्म होगा क्योंकि ये देखिए ट्रॉपिकल एरिया में चल रहे हैं। किस एरिया में चल रही हैं ये, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध में। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, हिंदी में इन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल एरिया में चल रहे हैं। अब मुझे बताइए ये ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण मतलब हिंदी में क्या होता है, उष्ण मतलब होता है गर्मी। इस एरिया पे सूर्य का सॉरी सूर्य का जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम होता है, सूर्य तब बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया हो जाता है गर्म। कैसा एरिया हो जाता है ये वाला एरिया हो जाता है गर्म। इसलिए एक चूंकि गर्म एरिया पे चल रही है तो इनका नेचर भी कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड विंड होती हैं इनकी पहली विशेषता है कि ये वार्म होती है। कैसी होती है, वार्म। हिंदी में क्या बोलेंगे, इन्हें गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि गर्म वाले एरिया पे चल रही है, ट्रॉपिकल एरिया पे चल रही है, जिस एरिया में सूर्य की अधिकतर गर्मी मिलती है, सोलर रेडिएशन इंसोलेशन ज्यादा होता है, तो ये क्या होंगी, वार्म होंगी, क्लियर है ना। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं जिसे आप ध्यान से समझेंगे। देखिए एक पॉइंट आता है वाटर वेपर, जिसे हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में बेहतर ढंग से समझा था, जलवाष्प, क्लियर है ना, जलवाष्प। मुझे बताइए अगर किसी वायु में जलवाष्प ज्यादा है, अगर किसी हवा में नमी ज्यादा है, जलवाष्प ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट एयर है। कैसा है, मॉइस्ट एयर है या नम वायु है। कैसी वायु है, नम वायु है। क्यों नम वायु है, क्योंकि उसमें जलवाष्प या आर्द्रता, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, पढ़ेंगे हम आर्द्रता, जब क्लाउड फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम आर्द्रता को डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर किसी वायु में ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर ज्यादा है तो वो एयर कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। कैसी होगी, मॉइस्ट होगी या नम वायु होगी, क्लियर है ना। और अगर किसी एयर में वाटर वेपर जलवाष्प बहुत कम हो, यानी उस वायु पे ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या हो, उस वायु की ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या हो, बहुत कम हो, तो वो क्या एरिया, वो हवा जो होगी क्या वो नम होगी। आंसर है नहीं, वो हवा शुष्क होगी। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क वायु, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ड्राई एयर। क्या बोलते हैं, शुष्क वायु या ड्राई एयर। यानी अगर आपके सामने कोई मॉइस्ट एयर बोलता है या नम वायु बोलता है, इसका मतलब यह है कि उस वायु में वाटर वेपर जलवाष्प ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा है। अगर आपके सामने कोई ड्राई एयर बोलता है या शुष्क वायु होता है तो आपको समझ जाना चाहिए वो ड्राई या शुष्क इसलिए बोलता है क्योंकि उस वायु में वाटर वेपर नमी जलवाष्प क्या है, कम है, ठीक है ना। मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि स्टीम या भाप बनाने के लिए, स्टीम या भाप बनाने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। भाई साहब आप लोगों ने विंटर्स में ठंडी में कोई ऐसा वीर तो नहीं है हमारा जो ठंडे पानी से नहाता हो, नहीं भाई साहब, जनरली बहुत कम लोग होते हैं जो विंटर्स में ठंडे पानी से नहाते हैं। कुछ भाई साहब हमारे तो ऐसे होंगे जो पूरी ठंडी नहाते नहीं है, ठंडी खत्म होने के बाद, विंटर जाने के बाद उनका सीधे प्रयागराज में शाही स्नान होता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्लियर है ना। चलिए तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। आप ठंडी में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, और पानी गर्म करने के लिए आपको
एक बर्तन चाहिए, बर्तन में आपने पानी डाला, फिर आप उसे चूल्हे पे गैस पे चढ़ा दिया, बर्नर ऑन कर दिया, आग जलने लगी, यानी कुछ टाइम बाद उससे क्या निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी, वाटर वेपर निकलने लगेगी। क्या निकलने लगेंगे, जल वाष्प, वाटर वेपर निकलने लगेंगे। मुझे बताइए, आपने पानी रखा, गैस नहीं चालू किया, तो क्या भाप बन पाएगी? आंसर इज नो। आपने गैस चालू किया लेकिन बर्तन में पानी नहीं है, क्या भाप बन पाएगी? आंसर है नो। यानी वाटर वेपर के लिए दो चीज चाहिए, एक वाटर चाहिए, नो डाउट, वाटर वेपर बनाना तो आपको पानी तो चाहिए, भाप बनाना है तो पानी तो चाहिए, और दूसरा आपको टेम्परेचर चाहिए, गर्मी चाहिए। जैसे आपने गैस चालू करके उसको टेम्परेचर हीट देना चालू किया, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो उस एरिया पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। क्या होगा? उस एरिया पे वाटर वेपर ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो देखिए, टेम्परेचर तो अच्छा खासा है, ट्रेड विंड जिस एरिया पे चल रहा है वो कौन सा एरिया है? उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध यानी जोन, गर्मी वाले क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल एरिया में। यहाँ पे जो सन की सोलर रेडिएशन है वो मैक्सिमम पड़ता है, यानी पहली कंडीशन जो है टेम्परेचर वो तो है। अब सॉरी, एक्चुअली में लाइट गोल हो गई है तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है अभी मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखूं या फिर अंधेरा दिखे, लाइट आते ही फिर से नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? अपन कंटिन्यू करते हैं। यानी जिस एरिया में व्यापारिक पवनी चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है, नो डाउट वो तो गर्म एरिया है, बहुत गर्मी है भाई साहब, यहाँ पे सोलर रेडिएशन मैक्सिमम होता है। अब डिपेंड करता है कि ट्रेड विंड मॉइस्ट होंगी, व्यापारिक पवनी नम होंगी, या व्यापारिक पवनी ड्राई होंगी, किस पे? वाटर पे। सपोज करिए ये इंडिया है हमारा, क्या है यह हमारा? इंडिया है, और इंडिया के बीचों बीच से क्या चलती है, इंडिया के लगभग इस एरिया से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, यानी हमारे इंडिया से कर्क रेखा पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। और मुझे बताइए कि जोन क्या है, व्यापारिक पवनी के चलने का क्षेत्र क्या है? तो लगभग 32-35 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के बीच में है। सही बात है ना, 32-35 नॉर्थ और इक्वेटर के बीच में चलती है व्यापारिक पवनी, तो ये 30 से 35 वाली रेखा ये है। क्लियर है ना? और इक्वेटर वाला ये है, और बस विंड कहाँ से कहाँ चलती है, विंड चलती है अपनी 30 से 35 हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी भाई साहब? नॉर्थ ईस्ट होगी। क्या होगी ये देखिए, मैंने विंड रोज बना के आपको इस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को दिखा रहा हूं, देखते चलिए। क्लियर है ना? चलिए, अब आप देखिए जिस अगर डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक मिनट तो कलर में चूज कर लूं, चलिए एक मिनट। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एरिया वाली विंड को, इस एरिया विंड वाली वाली विंड को आप देखिए, इस एरिया की विंड को आप देखिए, ये वाली एरिया। मुझे बताइए, ये हवाएं तो गर्म है यानी टेम्परेचर तो ज्यादा है, लेकिन अगर इन हवाएं पानी के ऊपर से चलेंगी तो गर्म तो है, अगर हवाएं पानी के ऊपर चलेंगी तो पानी को कुछ गर्म करके अपने साथ भाप बना के ले लेंगी, और जब पानी के हवा में वाटर वेपर आ जाएगा तो कैसी वायु हो जाएंगी, नम वायु हो जाएंगी। तो मुझे बताइए, अभी मैंने जो येलो कलर को शेड किया है इस एरिया में, तो क्या ये एरिया एरिया जो है, ये इस एरिया की जो व्यापारिक पवनी चल रही है, ये लैंड से आ रही है, स्थल से चल रही है, कि ओशियन से या किसी वाटर बॉडी से चल रही है? तो क्लियर दिख रहा है, ये दक्कन वाले प्लेटों को मैंने कवर किया है, ये स्थल है, यानी इस स्थल में पानी तो नहीं है। तो क्या इस जो स्थल वाली जो ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, क्या वो मॉइस्ट होंगी, नम वायु होंगी? नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, ड्राई एयर है। और मुझे बताइए, अगर अगर ट्रेड विंड ड्राई होंगी, मतलब उसके पास वाटर वेपर नहीं है, वाटर वेपर क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्थल भाग पे चल रही है, अगर ओशियन पे चलती तो वाटर वेपर होता, लेकिन लैंड मास में चल रही है, स्थल खंड में चल रही है, जिसके कारण उनके पास वाटर वेपर नहीं है, और जब वाटर वेपर नहीं होगा तो वो वायु कैसे होंगी, शुष्क होंगी, ड्राई होंगी। क्लियर है ना इतनी बात, यानी ये जो एयर है वो कैसी होगी, ड्राई होगी। लेकिन मुझे बताइए, इधर बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल,
और इस बे ऑफ बंगाल में ये वाला एरिया देखिए, इस एरिया से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलेंगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलेंगी, वो गर्म है यानी टेम्परेचर हाई है, पानी के ऊपर से चल रही है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चल रही है, तो कुछ पोर्शन को वेपोराइज करेंगे, जलवाष्प ग्रहण करेंगे, और जलवाष्प ग्रहण करने के बाद इस एरिया में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आपको याद हो कि विंटर में दिसंबर के आसपास रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल करेंगे, यानी यानी अगर मैं बताऊं तो ट्रेड विंड नम होंगी या ड्राई होंगी, मॉइस्ट एयर होंगी या ड्राई एयर होंगी, ये डिपेंड करता है वो विंड किस एरिया से चल रही है। अगर वो स्थलखंड में लैंड मासेस के ऊपर से चल रही है तो कैसी होंगी, वो ड्राई होंगी। और ड्राई एयर क्या रेनफॉल करेगी? आंसर है नो, ड्राई एयर रेनफॉल नहीं करेगी। रेनफॉल कौन करेगी? जिसके पास भैया वाटर वेपर हो। तो वाटर वेपर किसके पास होगा? ऐसी ट्रेड विंड या ऐसी कोई भी विंड जो किसी वाटर बॉडी के ऊपर से चले, किसी जल से निकाय से चले, जैसे इस केस में बंगाल की खाड़ी से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही हैं, वो अपने साथ जलवाष्प को भी लेती आएंगी, इसलिए वो कैसी होंगी? नम होंगी। और अगर जलवाष्प है, नम है, तो वो क्या करेंगी? रेनफॉल भी करेंगी। यानी आपको पॉइंट जो मैंने लिखाया था कि ये विशेषताएं ट्रेड विंड की, आप लोगों ने ये लिखा होगा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्म एयर। तो एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लाइट गोल हो गई है, तो टॉर्च तक रखने आया है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो पहला फीचर क्या है नॉर्थ ईस्ट या ट्रेड विंड का, कि ये वार्म होती हैं। फिर दूसरा, ये ड्राई भी हो सकती हैं और वेट या नमी भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती हैं, क्लियर है ना। वो डिपेंड करता है कि अगर वो लैंड मास से आ रही हैं, स्थलखंड से आ रही हैं, तो वो ड्राई होंगी, और अगर वो किसी वाटर बॉडी से होके ऊपर से आ रही हैं, तो वो कैसी होंगी? वो नम होंगी। जैसे इस केस में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया, तो जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड दक्कन वाले रीजन से चल रही है वो ड्राई है, और जो ड्राई है वो क्या रेनफॉल करेंगी? आंसर इज नो, वो रेनफॉल नहीं करेंगी। और जो मॉइस्ट है, जो ओशन से आ रही है, क्या वो रेनफॉल करेंगी? तो आंसर है यस, रेनफॉल वो करेंगे, क्लियर ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपने लिख लिया, क्लियर है ना। चलिए, जब अपन मानसून पढ़ेंगे, जब अपन इंडिया के क्लाइमेट में मानसून पढ़ेंगे, तो मानसून में हम दो प्रकार की विंड्स को पढ़ेंगे। हालांकि मैंने साउथ वेस्ट आईटी सीजन जब शिफ्ट होता है तो उसको मैंने बता दिया, पर फिर से जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि मानसून में दो प्रकार की विंड होती हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, साउथ वेस्ट मानसून विंड, और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, या फिर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी। पता है मानसून विंड हम किसे कहते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में? जो हमारे यहाँ बारिश करे। आप देखो कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये तमिलनाडु वाले रीजन पे बारिश कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। तो याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ही इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड भी होती हैं। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं वो इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का भी काम करती हैं, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अगर ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना है, हम अपन जब इंडियन ज्योग्राफी में, या फिर अभी विंड्स में मानसून ही पढ़ा दूंगा मैं, तो जब मानसून पढ़ेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कहने का यहाँ पे मतलब क्या है। अभी इतना लिख लीजिए आप कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ही इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसूनी पवनों का काम करती हैं। क्या करती हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसूनी पवनों का काम करती हैं। दूसरी बात, आपको आई थिंक 2 से 3 दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको किसी भी एरिया में रेगिस्तान बनने के, डेजर्ट बनने के 3 रीजन बताए थे। किसी भी रीजन में रेगिस्तान या डेजर्ट बनने के 3 रीजन बताए थे। मुझे आप बता सकते हैं कि आपको याद है? मैंने 3 दिन पहले बताया भी था, शायद 2 या 3 दिन के पहले क्लास में बताया था। आप मेरे साथ टाइप करिए। पहला जो है डेजर्ट बनने का, डेजर्ट उन्हीं एरिया में बनेगा जहां पे हवाएं उतरती हैं, यानी हवाएं उतरेंगी, हाई प्रेशर बनाएंगी, यानी डेजर्ट बनने का पहला रीजन, पहला कंडीशन है कि उस एरिया पे हाई प्रेशर बेल्ट होना चाहिए। दूसरा रीजन है जो विंड हो ऑफ शोर हो, क्या हो? ऑफ शोर विंड्स हो,
क्लियर है ना। और तीसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था कोल्ड ओशन करंट में, कोल्ड ओशन ऑफशोर विंड का मतलब क्या है, जैसे देखिए आप इस एग्जाम्पल के साथ समझिए, ये हमारा प्यारा भारत है और जो ट्रेड विंड है कुछ ऐसी चलेंगी, ट्रेड विंड क्या होंगी कुछ ऐसी चलेंगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी चलेंगी कि नहीं चले, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी कुछ ऐसी डायरेक्शन पे बहना स्टार्ट करेंगी। चले एक एरिया ये वाला है, एक एरिया ये वाला है, और दूसरा एरिया जो मैं येलो कलर से बनाने जा रहा हूं वो है ये वाला। क्लियर है, मुझे बताइए, मुझे बताइए बारिश, बारिश जो है वो ए कंडीशन पे होगी या बी कंडीशन पे होगी, ए कंडीशन पे होगी या बी कंडीशन पे होगी। बहुत बढ़िया, बारिश तो भाई साहब ए कंडीशन पे होगी, ए जोन पर ही होगी। क्लियर है, क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने हैं, वो यहां से नमी लेंगे, इस कौन सा खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर है ना, इस एरिया से वो नमी लेंगी, जलवाष्प लेंगी, और जैसे वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन से टकराएंगी और टकराकर ऊपर उठ के यहाँ पे क्या कर देंगी, बारिश कर देंगी। और जब यहाँ पे अपना लोड वाटर वेपर जब यहीं पे खाली कर देंगी, तो जैसे जैसे आगे पढ़ेंगी इनके पास अब बारिश करने के लिए वाटर वेपर ही नहीं बचा। अरे भाई साहब, बारिश करने के लिए दो कम से कम हमारे पास पानी तो होना चाहिए ना, जलवाष्प तो क्लाउड के पास होना चाहिए, बादलों के पास वाटर वेपर जलवाष्प तो होना चाहिए, तभी ना उस एरिया पे बारिश करेगी। अगर वाटर वेपर ही नहीं है, जलवाष्प भी नहीं, तो क्या वहां पे बारिश करेंगे? आंसर इज नो। तो जब नॉर्थ स्टेट विंड बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी खूब बारिश करते हैं, पर जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, केरल वाले रीजन में, कर्नाटका वाले रीजन में बारिश नहीं करते। तो इस तट को, इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑफ शोर कॉस्ट बोलेंगे, क्या सॉरी ऑन शोर कॉस्ट बोलेंगे। यहाँ पे यानी वो तट जहां पे बारिश हो उसे क्या बोलेंगे, ऑन शोर कॉस्ट बोलेंगे, और ये तट, ये कॉस्ट जहां पे बारिश नहीं होगी, ऑफ होगी, उसे ऑफ शोर कॉस्ट बोलेंगे। यानी मुझे बताइए, अगर रेगिस्तान बनना भी होगा तो क्या उस एरिया पे बनेगा जो ऑन शोर होंगी, ऑन शोर मतलब जहां पे बारिश होंगी, नहीं, क्योंकि डेजर्ट का मतलब यही है ना, जहां पे बारिश ना हो। क्लियर है ना, तो ऑन शोर पे तो नहीं होंगी, ऑफ शोर पे होंगी। ऑफ शोर का सिंपल सा मतलब जिस एरिया में पवने पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाए। ऑफशोर का सिंपल से मतलब क्या है, वो एरिया जहां पे पहुंचते पहुंचते विंड शुष्क हो जाए, ड्राई हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे ऑफशोर। जैसे बंगाल की खाड़ी से अगर उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवने बंगाल की खाड़ी से मॉइस्ट नमी लेते हुए आगे बढ़ेंगी, तो जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, ये नॉर्थ स्टेट विंड के ऑन शोर में, किस शोर में है, ऑन शोर में, जबकि केरल और कर्नाटक वाला रीजन ऑफ शोर में होगा। तो इन फ्यूचर जब भी डेजर्ट बनना होगा, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन लगातार क्लाइमेट चेंज के लिए बढ़ता जा रहा है, मरुस्थलीकरण क्लाइमेट चेंज के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जब भी डेजर्ट होगा, जब भी डेजर्ट बनेगा, वो ऑन शोर पे ना बन के वो हमेशा ऑफ शोर ही बनेगा। क्लियर है ना, इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये हमारी कहानी पूरी होती है किसके बारे में, ट्रेड विंड के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ट्रेड विंड के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि ये क्या है, एक प्रकार की प्राइमरी विंड है, जो आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्या है, विंड है, प्राइमरी, प्राइमरी विंड, प्राइमरी विंड है, या इसी को बोलते हैं प्लेनेटरी विंड है, या इसी को हम बोलते हैं ये ग्लोबल विंड है, क्या है, ग्लोबल विंड है। और इन इनमें तीन चीजों को पढ़ना है, प्राइमरी विंड, प्लेनेटरी विंड, ग्लोबल विंड, या एक और है परमानेंट, इन विंड एक ही है और इनमें तीन प्रकार की पवनों को पढ़ना है। एक पढ़ना है ट्रेड विंड के बारे में, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है वेस्टर्लीज के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में, या पछुआ पवनों के बारे में। क्लियर है ना, और तीसरी हमें पढ़ना है इसी में पोलर विंड्स के बारे में, पोलर विंड्स के बारे में, या ध्रुवीय पवनों के बारे में। तो हमें मेनली तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने किसको स्टार्ट किया, सबसे पहले ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों को स्टार्ट किया। यानी ट्रेड विंड क्या है, एक प्रकार की, ट्रेड विंड खुद एक प्रकार क्या है, प्राइमरी विंड, प्लेनेटरी विंड, या फिर ग्लोबल विंड बोल दो, या फिर परमानेंट विंड बोल दो, प्रातिक पवने, भूमंडलीय पवने, वैश्विक पवने, स्थायी पवने, कोई भी नाम से बुला लो, चारों ही एक चीज है और इसमें तीन
विंड आती है ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड, पोलर विंड, यानी ट्रेड विंड व्यापारिक पवने एक प्रकार की भूमंडलीय पवने हैं। दूसरी बात, इसका जोन क्या था? तो हम लोगों ने देखा था ये उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से निम्न ध्रुवीय निम्न विषुवत रेखीय वायदा पेटी की तरफ चलती है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उत्तरी गोलार्ध में भी बनता है और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में भी बनता है। तो इस हिसाब से जो ट्रेड विंड है वो दो प्रकार की हो जाएंगी, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो कि उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी और एक है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। क्लियर है ना? और दोनों आरटी सीजन में आकर टकरा कर ऊपर उठ जाएंगी और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ही वो विंड है जो कि इक्वेटोरियल जोन पे आती हैं और डोल्ड्रम एआरटी सीजन के एरिया में टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं और डेली इक्विटोरियल जोन पर क्या करती हैं? रेनफॉल करती हैं। और हम लोगों ने देखा था कि कौन सी ट्रेड विंड है जो हमारे लिए लौटता मानसून का काम करती है, कौन सी ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है? तो हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है जो हमारे लिए लौटते हुए मानसून का काम करती है। कैसे काम करती है हम मानसून में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना पॉइंट आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है ना? और मैंने एक डेजर्ट वाला आपको मैप भी दिखाया था, मैं काम करता हूँ उससे देखता हूँ पीपीटी में कहाँ पे है, ये मिल गया हमें, ये मैंने आपको 3 दिन पहले ये वाला दिखाया था। और फिर अभी मैंने बताया अभी अभी कि डेजर्ट बनने के लिए कंडीशन क्या पे क्या क्या है। 3 कंडीशन है, एक तो वहां पे हाई प्रेशर होना चाहिए, उसके बाद विंड वहां पहुंचते पहुंचते ड्राई होना चाहिए यानी वो ऑफशोर में आ जाना चाहिए, और तीसरा है कोल्ड ओशन करंट। जैसे एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ, आप ये वाला है देखिए, ये कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पे नामिब डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। क्लियर ना? ये कौन सा जोन है, यानी अगर आप देखेंगे 30 डिग्री के आसपास ये काला डेजर्ट है, और देखिए 30 यहां से तो कौन सी विंड चलती है, 30 से 35 वाले एरिया में, 30 से 35 वाले एरिया में कौन सी चलती है, ट्रेड विंड चलती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड है यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो जब वो यहां से चलना चालू करती हैं, ये देखिए मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ये ट्रेड विंड है यहां से चलती है ऐसे, ये देखिए ये ट्रेड विंड है यहाँ पे, और मुझे बताइए ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है ये, क्लियर है ना? इंडियन ओशन से नमी लेती है और इस एरिया पे आते आते इस एरिया पे खूब बारिश कर देती है, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है तो अब अपना अंडर का मटेरियल यानी वायु विंड अपनी वाटर वेपर से तो इस एरिया में हैवी रेनफॉल करती है, अच्छी खासी बारिश करती है, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ड्राई हो गई। तो जब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ड्राई हो गई, गर्म पहले से है यानी अब इस एरिया में जो विंड चल रही है वो गर्म है यानी गर्मी बढ़ा देंगी, और दूसरा ड्राई है तो बारिश भी नहीं करेंगी, गर्मी भी बढ़ गई है बारिश भी बढ़ गई है, और तीसरा यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है यानी ऊपर से हवाएं लगातार नीचे बैठ रही हैं तो वो भी एडियाबेटिक वार्म होती है, मैंने पिछले क्लास में बताया। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे कोल्ड करंट भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कालाहारी डेजर्ट बन गया। मुझे बताइए कि अगर ट्रेड विंड के ऑफशोर में कोई जगह है, क्या है ऑफशोर में, ऑफशोर का मतलब जिस एरिया तक पहुंचते पहुंचते ट्रेड विंड ड्राई हो जाए यानी पूरी बारिश पूरे वाटर वेपर से बारिश कर चुकी है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, डेजर्ट बन जाएगा। क्लियर है ना? आई थिंक आपको ट्रेड विंड बेहतर तरह से समझ में आ गया हो। एक्चुअली में आज हमें वेस्टर्ली और पोलर विंड भी कंप्लीट करना था, बट अभी लाइट गोल है, सो बेहतर होगा कि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 2 विंड बची हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करें चीज़ों को, कोई भी डाउट हो तो पूछें, और मिलते हैं अपन कल की क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद जय भारत, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल।